इस वक्त मैं खड़ा हूँ रंजनपाड़ा रेलवे स्टेशन पे, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वो जितना पूरा समय वो पूरा गया है शेड्स, वो आपका पूरा रंजनपाड़ा प्लेटफॉर्म है, और आपका प्लेटफॉर्म पूरा तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ये काम बस इस वजह से रुका हुआ है कि हम लोग का ये जो आप ग्रीन बार्स देख रहे हो, ग्रीन कॉलम्स, हाँ, ये आपका पूरा कमर्शियल सेक्टर बन रहा है। कमर्शियल सेक्टर मतलब कि जैसा कि आपने देखा होगा कि बेलापुर हुआ, ये सब हुए, हाँ, स्टेशन के साथ साथ पूरा कमर्शियल सेक्टर भी होता है जहाँ की आपकी इकोनॉमी काफ़ी ग्रोथ करती है। तो उसी के साथ साथ हम लोग का बस कमर्शियल सेक्टर कंप्लीट हो रहा है, और ये हम लोग का देख रहे हैं आप, ये हमारा टिकट काउंटर सेंटर है और ये सीधा एंट्रेंस है हम लोग का, ये रंजनपाड़ा का स्टेशन का सीधा एंट्रेंस हम लोग का जा रहा है। और उसी सामने पे हम लोग अभी आपको पिछली वीडियोस में देखा था आपने कि यहाँ पे आपका पूरा वो हाईवे गया था, नेशनल हाईवे, और उसी के यहाँ से आप सीधा एकदम निकल जाएंगे तो हम लोग के प्लॉट का एरिया चालू होता है। यहाँ पे ये स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स आपकी कमर्शियल सेक्टर क्रॉस होके सीधा आपको प्लेटफॉर्म पे उतारता है। तो आपका क्या रहता है कि आप सीधा एंटर किए स्टेशन से, हाँ, आपका कमर्शियल सेक्टर हुआ, टिकट काउंटर हुआ, और यहीं से आपने टिकट लेके आप सीधा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो। तो आपका कमर्शियल सेक्टर भी आ गया इसमें और प्लेटफॉर्म भी आ गया। रंजनपाड़ा की सबसे सही चीज़ यही है कि वो कमर्शियल को साथ में लेके चल रहा है, जिससे कि हमारे जो रेसिडेंशियल एरियाज होंगे वहाँ पे लिविंग बढ़ेगी, और जितना कमर्शियल सेक्टर बढ़ेगा, पीछे आपका रिलायंस है, रिलायंस भी आईटी सेक्टर बना रहा है, उसके पीछे जेएनपीटी सेज है, तो ये सब कमर्शियल एरियाज हो गए। अब वहाँ के सारे कमर्शियल एरिया का जो एम्प्लॉय होगा वो कहाँ रुकना चाहेगा, वो जाहिर सी बात है कि वो रेसिडेंशियल एरियाज हमारे बिंधने के पास आके रुकेगा। तो सबसे हम लोग का जितना भी होगा लिविंग, सारे रेसिडेंशियल एरियाज उतना ग्रो करेगा।